डालते हैं, किस तरीके से रिंग जो है हम बनवाते हैं, कहाँ से बनते हैं, कितने के बनते हैं और इनमें क्या इनके फायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं, इसके ऊपर आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद है आप तमाम दोस्त होंगे खैर वाकई से और अपना रख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ख्याल। दोस्तों आप देख रहे हैं सुरबर्ट चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट शेख उबैदुर रहमान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रिंग के हवाले से कि अपने बर्ड्स के रिंग जो हम चिक्स को। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने हमारे साथ नए दोस्त जुड़े हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने सिर्फ एक क्लिक करना होता है, हल्का सा आपका टाइम लगता है, कोई टाइम इसमें नहीं लगता है, लेकिन क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए कि हम मज़ीद आपके लिए इसी तरीके से बेहतर वीडियो बना के लेके आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिंग के हवाले से है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रिंग किस तरीके से बनवाने हैं हमने और कहाँ से बनते हैं, ये कहाँ से बनाए जाते हैं, ये मैं आपको पूरा इसकी डिटेल बताऊँगा और इसके फ़वाद क्या होते हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा। चले सबसे पहले तो हम आपको रिंग दिखा देते हैं। मैं आपको ये रिंग दिखाता हूँ, ये आप देखिएगा। ये देखें दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको रिंग का अगर फोकस सही करें कैमरा तो मैं ये रिंग आपको दिखाता हूँ, सही बस फोकस हो जाए। ये देखें इसमें आ रहा है हमारा सुरबर्ड्स चैनल के नाम से, हमने ये सुरबर्ड्स के नाम से हमारे रिंग बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा इसमें चैनल का नाम। अच्छा, इसमें हमारा जो है ये देखें, यहाँ पे साइड पे हमने बर्ड्स की ब्रांडिंग करवाई है। आपको पता है कि ज़्यादातर जो बड़ा होता है वो नाम को ही फोकस रखा जाता है, बाकी चीज़ों को फोकस नहीं रखा जाता। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है हमने जो रिंग बनवाए हैं आगे देख सकते हैं आप, जैसे ये रिंग नंबर है 10, 10 नंबर का रिंग नंबर है ये। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने ब्रांडिंग हमारी बिल्कुल न्यू, ये इसी साल के रिंग है 2023 के। सही फोकस हो रहा है, बस ये फोकस सही हो जाए। ठीक है, ताकि हमारे जितने देखने वाले व्यूअर हैं उनको सबको समझ में सही आ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये रिंग है। अब मैं थोड़ी सी वीडियो की डिटेल में चला जाता हूँ कि इसको बनवाने के क्या फवाहिद हैं और ये क्यों बनवाए जाते हैं दोस्तों। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आपका जो रिंग होता है ना, इससे आपका एक तो आपके बर्ड की हिस्ट्री आपके पास पूरी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आप जैसे आपने कौन से बर्ड रखे हुए हैं, उनका कौन सा कलच है ये, और आपने सबसे पहले करना है छोटी सी आपने लेनी है एक डायरी। ठीक है, आपने 10-15-20 रुपए वाली डायरी एक ले लेनी है, उसमें आपने अपने एक एक पेज सेलेक्ट करना दोस्तों। उसमें क्या होगा कि आप एक पहले एक पेज सेलेक्ट करेंगे कि मेरे पेयर नंबर ये है, आपके जितने पेजेस होंगे ना आपने उस हिसाब से अपने पेयर, जैसे 10 पेयर हैं आपके पास तो आपने अपने 10 पेज बना लेने। पेज नंबर 1 में आपने एक पेयर की हिस्ट्री डालनी है, पेज नंबर 2 में आपने दूसरे पेयर की हिस्ट्री डालनी है। इस तरीके से आपने 10 पेज, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बस मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करना है। उसमें आपने क्या करना है कि आपके मिसाल के तौर पे आपके पहले जो बर्ड्स हैं पेयर है उसके आपके चिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके जो चिक्स आपके पास आएंगे तो उसमें आपने कभी भी दोस्तों ये याद रखिएगा, आपने बिल्कुल ये गलती नहीं करनी कि आपने एक ही पेयर के बहन भाइयों को आपस में पेयर अप नहीं करना, ये पक्का आपने याद रखना। अगर आपने ऐसा करा तो आपको इसके नुकसान आएंगे, नुकसान मिलेगा आपको। क्या सबसे बड़ा कि आपके एग्स डेडिंग शेल होंगे, अंडे आपके अनफर्टाइल होंगे, अनफर्टिलिटी का बहुत इशू आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है बिल्कुल भी, साथ एक ही बहन भाई को पेयर अप नहीं करना। आपने करना क्या दोस्तों कि आपने दूसरा जो आपने पेयर ले लिया, आपने उस दूसरे पेयर को आपने लेके आना है और उस दूसरे पेयर के आपके जो चिक्स होंगे उसके चिक्सों को आपने पहले नंबर पेयर के चिक्स से आपने दूसरे नंबर के पेयर के चिक्स को आपस में कंफर्म करके मेल फीमेल करके फिर आपने उनके आपस में पेयर को जो है पेयर अप कर देना, उनके पेयर की सेटिंग आपने बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एक बेहतरीन आपके पास रिजल्ट आएगा। तो आपने इस तरीके से दोस्तों बनाना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ। अब आपने करना क्या है कि आपने जो अपने पास एक बुक बनाई भी होगी तो आपने उसमें दोस्तों पूरे आप अपनी पेयर की हिस्ट्री लिखते जा रहे हैं, तो आपने उसमें होगा ये कि जैसे आपने अपना रिंग नंबर 1 डाला है अपने चिक्स नंबर 1 में। ठीक है, तो आपने अपने दूसरे जो इसके मिसाल के तौर पे 4 चिक्स आते हैं तो आपने अपने 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के रिंग नंबर आपने अपने 4 चिक्स को डाल दिए। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा पेयर है उसके मिसाल के तौर पर 6 चिक्स आ जाते हैं तो आपने उसको वहाँ से 5वें नंबर से रिंग जाहिर है आप स्टार्ट करेंगे तो 10 नंबर तक आपका रिंग उनमें चला जाएगा। तो अब उनमें जब आपका मेल फीमेल कन्फर्म हो जाए
अच्छा, अगर आपने महंगी न्यूट्रिशन रखी हुई है तो फिर तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप DNA लाजमी करवा लें, मामूली से पैसों का होता है 650-700। दोस्तों अगर आपने 30,000-40,000 रुपए का बर्ड्स रखा हुआ पेयर, और अगर आप इसे इंतजार में बैठे हुए कि चलो जी खुद ही मैं कंफर्म कर लूँगा इसका हड्डी के जरिए चेक करके कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो उसमें आपका वक़्त ज़ाया होगा। अक्सर हमारे न्यू फैंस यार क्या करते हैं कि वो अपना तजुर्बे की ब्याप पे उससे चेक करवा लूँगा उससे चेक करवा लूँगा के चक्कर में वो अपना ऐसे चेक करवा के अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं 4-5 महीने। उसके बाद क्या होता है कि जब पेयर अपना मूड पे आता है पता चलता है दोनों नर निकल गए, पता चलता है दोनों फीमेल निकल गए, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जो है बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले DNA करवा लेना। ये मैं महंगी न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको वो कॉमन लोटी जो फिशर वगैरह है जो नॉर्मल हमारे ब्लैक आई वगैरह रखे हुए हैं आपने, यानी कि अल्बाइनो, तो उसमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, उसमें वैसे आप चेक कर सकते हैं अगर आप तजुर्बा रखते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने जब इसमें रिंग डालेंगे तो रिंग के फ़ायदे क्या होंगे कि आपके पास पूरी उसकी हिस्ट्री होगी रिंग की, तो आपने इसमें जो है जो पूरा जो आपको इसमें फ़ायदा दोस्तों ये मिलेगा कि जब आपने रिंग डालेंगे तो उसमें आपके पेयर के पास जो है आपके पास पूरी उसकी हिस्ट्री गेन होगी, ठीक है। तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि मैंने किस पेयर को अपने क्या डाले हैं, तो इसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको पेयर अप करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज का दोस्तों हमारा ये था वीडियो इस हवाले से, थी रिंग के हवाले से कि मैंने ये रिंग बनवाए थे, तो मैंने कहा चले दोस्तों से शेयर करूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी दोस्तों नए दोस्त आने वाले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट्स में अगर कोई बात पूछनी हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई उसका लाजमी करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रिंग के ऊपर था, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा कहाँ से बनते हैं, ये कराची से लालू के डाकखाने से बनते हैं दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन भाई का नंबर आपको दे दूंगा, तो आपने रखना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।